हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित कुमार तिवारी स्वागत करता हूँ ईडियो इंडियन के प्लेटफॉर्म में। हम लोगों ने जनरल साइंस स्टार्ट किए थे, जनरल साइंस में फिजिक्स टॉपिक स्टार्ट किए थे और सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, और फिजिक्स में हम लोग हीट एंड इट्स ट्रांसमिशन स्टार्ट किए थे। देखो, हम लोगों ने जो 10th तक का जो हम लोगों का CBT 1 का पोर्शन है ना, वो 10th तक का सिलेबस बोला है। तो अभी तक हम लोगों ने 10th तक का सब कुछ पढ़ लिया है हीट एंड इट्स ट्रांसमिशन में। अब हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो थोड़ा सा 11th का होगा और 12th का रिलेटेड होगा, ठीक है। तो वे हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। हम लोग डिविएट नहीं करेंगे, हम लोग को एकदम गोल के अनुसार ही पढ़ना होगा। तो हम लोग बस वही चीज़ पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कहने का मतलब है क्लियर। चलो, तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है आइडियल गैस और परफेक्ट गैस बोलते किसको है। तो देखो, सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। द गैस कुछ मॉलिकुल्स आर पॉइंट मास। और पॉइंट मास क्या है, मास हो उसका लेकिन वॉल्यूम उसका नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट मास बोलते हैं। एंड डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, और अपने मतलब कि मॉलिकुल्स होगा तो वो अपने आप को अट्रैक्ट ना। तो सिंपली आइडियल गैस और गैस लॉ होता क्या है, मॉलिकुल्स हो पॉइंट मास हो और उनके मॉलिकुल्स जो है ना आपस में क्या करें, अट्रैक्ट ना करें। पॉइंट मास मतलब मास विदाउट वॉल्यूम, सिंपली। अब इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जो आइडियल गैस और परफेक्ट गैस होते हैं ना, वो ओबे रूल को फॉलो करते हैं, बॉयल्स लॉ को फॉलो करेंगे, चॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इट्स प्रेशर कोफिशियंट एंड वॉल्यूम कोफिशियंट आर इक्वल टू ईच अदर। अब देख लो मेरे पास, देखो चॉल्स लॉ क्या था, चॉल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट एड करेंगे, सिंपली। बॉयल्स लॉ क्या था, बॉयल्स लॉ बोल रहा है कि वॉल्यूम जो होगा ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के, तो 1/P। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करेंगे। मान लो इसका K1 हो गया, इसका K2 होगा, तो सिंपली क्या बोला, इट्स प्रेशर कोफिशियंट K1 इज इक्वल टू K2। सिंपली आपको कहने का मतलब ये है कि ये दोनों का जो कोफिशियंट होगा ना, वो आपस में इक्वल होगा। तीसरा लॉ क्या बोला, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू लिक्विड और सॉलिड स्टेट, मतलब परमानेंट गैस में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। मतलब कि गैस है तो वो लिक्विड में भी कन्वर्ट नहीं होगा और ना ही सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। अब हम लोग एक टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। देखो आइडियल गैस इक्वेशन जो अभी तक हम लोग 3 लॉ पढ़े ना, बॉयल्स लॉ, चॉल्स लॉ और अब गेड्रोस लॉ, वो तीनों का कम्बिनेशन करके एक हम लोग को मतलब कि न्यूमेरिक मतलब कि हम इक्वेशन मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। देखो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। चॉल्स लॉ हो क्या बोलेगा कि वॉल्यूम जो होगा ना, वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। और अब गेड्रो लॉ क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम जो होगा प्रोपोर्शनल टू एन होगा। तो ये हो गया मेरा, देखो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इन प्रोपोर्शनल टू टी किसके हो गया, चॉल्स लॉ, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एन किसका हो गया, एवोगैड्रो लॉ। तो ये मेरा हो गया, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो एक कांस्टेंट ऐड करो कि उसको क्या बोलोगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो मेरा क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आर इंटू एन इंटू टी बाई पी, क्या होगा, प्रेशर। अब आर जो होगा क्या हो जाएगा, वी इंटू पी बाई एन टी। अब आर जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब देखो एक रियल गैस होता है, चलो ये भी आपका 11th का ही पार्ट है, चलो देख ही लेते हैं। दिस गैस हैव डिफरेंट वॉल्यूम एंड इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस सिंपली होता है, पॉइंट मास होता है, मास होगा वॉल्यूम नहीं होगा, और इसका जो मॉलिक्यूल है ना आपस में स्टिक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये रियल गैस में नहीं होता है, रियल गैस क्या होता है, डिफिनेट वॉल्यूम भी होगा इसका और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि आपस का जो मॉलिक्यूल्स होगा ना वो आपस में इंट्रैक्शन होगा उनके बीच में। दूसरा क्या है, बिहेव आइडियली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर देते हैं ना, तो जो रियल गैस होते हैं ना वो आइडियल गैस को फॉलो करने लगते हैं, सिंपली फॉलो करने लगते हैं। तो एक नोट करने वाली बात है, कोई भी रियल गैस ट्रूली आइडियल नहीं हो सकता है, कोई भी रियल गैस ट्रूली आइडियल नहीं हो सकता है, ये नोट करने वाली इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। मेरे ख्याल से हमने सारा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, और एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इनकेस
छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर छूट गया ना एग्जाम में आ गया तो फिर बहुत अफसोस होता है उस चीज को लेके। तो चलो क्रायोजेनिक्स क्या होता है, कहाँ गया, हाँ क्रायोजेनिक क्या होता है, आप लोगों ने बहुत न्यूज में नाम सुना क्रायोजेनिक इंजन, मतलब कि जो मतलब कि बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर पे अगर फ्यूल होता है ना तो वो क्या बोलते हैं क्रायोजेनिक, मतलब कि बिलो 0 डिग्री। तो हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, टेम्परेचर क्लोज टू जीरो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। पायरोमीटर जस्ट इसका उल्टा है, बहुत बहुत हाई टेम्परेचर, हम लोग ने थर्मामीटर देखा था टाइप्स में देखा था ना, तो वो 300 से 3000 डिग्री केल्विन मेजर कर सकता है। तो पायरोमीटर क्या होगा, वेरी हाई टेम्परेचर को जो सस्टेन कर सकते हैं उसको पायरोमीटर बोलते हैं। सिंपली वेरी हाई टेम्परेचर आपको आ जाए तो पायरोमीटर ध्यान देना, और क्रायोजेनिक आ जाए मतलब कि वो सोच मतलब वो बता रहा है कि बहुत 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 लो टेम्परेचर है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल देखो थर्मल मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर। चलो डिफरेंशन देख लेते हैं। आइसोथर्मल क्या हुआ, व्हेन ए प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसको क्या बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा बोलते हैं, व्हेन ए प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। और आइसोकोरिक किसको बोलते हैं, व्हेन ए प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाए ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ कोई चीज़, तो आप यूट्यूब में जाइएगा उसको स्पीड को हल्का स्लो कर सकते हैं, आप लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं अगर इन केस लगे तो ठीक है। मैं अपने अनुसार कोशिश करता हूँ कि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँ अगर आप लोगों को लगे तो ठीक है। तो हम लोग क्या, हम लोग हीट एंड हीट ट्रांसमिशन कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेसफुली, और अगले वीडियो में हम एक और वीडियो लेके एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें रिवीजन करेंगे, पूरा यूनिट का रिवीजन पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे, और उसके बाद एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, और शायद हो सके तो हम लोग एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। ऑनलाइन टेस्ट अभी 6-7 दिन बाद होगा, तो आप लोग उसके लिए तैयार कीजिएगा अपने आप को ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय। और हाँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एडियो इंडियन प्लेटफॉर्म को। और अगर आप लोग को हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, आप लोग उस ग्रुप पे आइए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करते हैं, और फिर आधे घंटे बाद हम लोग सॉल्यूशन भी मेंशन प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय।